हसदी वो लगती पंजाब दिया किसी हिसाब ना थकदी वो लगती लाहौर दिया किसी हिसाब ना हसदी कुड़ी का पता करो तेरे पिंड दिया तेरे शहर दिया लगती लाहौर दिया किसी हिसाब ना हसदी वो लगती पंजाब दिया Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the high. बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं। और हम लोग अभी बीच पे आए हुए हैं, ये देखिए समुंदर के लहरों के बीच में, और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे सीन है। चारों तरफ एकदम नमकीन माहौल है, आज ब्लू है पानी, पानी वाला स्टाइल में। अभी हम लोग को समय मिला तो आज आ गए यहाँ पे बीच पे घूमने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं समुंदर के लहरों में लोग इंजॉय कर रहे हैं, और अभी हम भी नहाएंगे इस समुंदर में और मज़ा लेंगे इस बीच का। और वो आप जो देख रहे हैं सामने में, ये जो आप सामने में देख रहे हैं ये लाइट हाउस है, और इस लाइट हाउस पे बहुत सारे सैलानी जाते हैं और घूम के आते हैं वहाँ पे। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। सामने में आपको होटल मिल जाएगा इधर रहने के लिए, और हम लोगों का होटल वो सामने में है। भैया दिखाइए जरा तो होटल अपना, वो जो सामने में आप होटल देख रहे हैं वहाँ से बहुत ही शानदार व्यू आता है होटल का। और ये समंदर का बीच का नज़ारा बहुत शानदार आता है सामने। आपको सस्ते से सस्ते में होटल मिल जाएगा इधर, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। भुवनेश्वर में आप आ सकते हैं, यहाँ से फ्लाइट से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं, और उसके साथ आप वहाँ से बस से, अपने पर्सनल गाड़ी से, या बहुत सारी साधन है, ट्रेन से आके आप यहाँ पे पूरी में बीच पे आ सकते हैं और सस्ते में होटल ले सकते हैं। यहाँ पे 1500 से 700 से शुरुआत है यहाँ पे होटल मिनिमम। और हम लोग अभी होटल पूरी में ठहरे हुए हैं, वो हम लोग का होटल है 2200 रुपये का, एसी रूम है और अच्छा है, बहुत ज़्यादा कास्टली भी नहीं है खाने पीने का। यहाँ पे बहुत शानदार लग रहा है हम लोग को बीच पे आकर के। आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही सुहाना है, और अभी यहाँ पे सैलानी हमको 12 साल ही आते हैं, हमको लगता है कि हर साल 12 महीने आते हैं सॉरी। और अभी पिछले महीने यहाँ पे एक कांड हो गया था, एक बीच में ही इसमें बहुत सारे साइक्लोन आने वाले थे, 10 तारीख के बीच में एक लोग इसमें चले गए, तो बच के अपना आना है और ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, किनारे ही नहा के आप जा सकते हैं। और देखिए यहाँ तक पानी आ जा रहा है, इतना तेज है फ्लो पानी का कि ऊपर तक चढ़ जा रहा है जहाँ अभी मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और उठ भाई, हमारा लग रहा है तार ले गए भाई।
हाँ बजा बजा, हाँ थैंक यू सो मच। और मेरा तार बच गया, जाने वाला था ब्लॉगिंग के चक्कर में। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मेरा देखते रहिए मटर इतराज ब्लॉग। अभी मैं जाने वाला हूँ, उसके बाद दोस्तों सिंपल और आगे का व्यू आपको दिखाऊंगा, बहुत ही जबरदस्त, अच्छा से अच्छा। और अभी मैं चलता हूँ स्नान करने के लिए अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, और भैया दिखाएंगे अंदर का ब्लॉग। मज़ा आया आज पूरी बीच पे घूम के, आप देख सकते हैं पूरे हम लोग बिक चुके हैं और बहुत ही आज माहौल नमकीन सा हो गया, क्योंकि समुंदर का खारा पानी होने की वजह से यहाँ पे जो भी चश्मे या मोबाइल के कैमरे पे या फ़ोन पे सारे मॉइस्चराइजर जम जाते हैं। और देख सकते हैं बहुत ही शानदार यहाँ के व्यू रहा। और अब हम लोग निकल चुके हैं पूरी से, अब जाने की तैयारी हो गई है। तो चलिए दोस्तों बाय बाय पूरी करते हैं और दिखाते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही शानदार जगह। ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, आप देखते रहिए मंटू ऋतुराज ब्लॉग। अगर पसंद आया हो मेरा वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। और दोस्तों अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट भी कर दीजिए कि कैसा लगा ये वीडियो, और आपके एक लाइक सब्सक्राइब से मेरा
थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और अभी पूरी बीच पे बारिश आने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त आज नज़ारा हो गया। आप देख सकते हैं ये बादल छाए हुए हैं और बहुत तेज से बारिश आने वाली है। चलिए निकलते हैं दोस्तों और पहुंच गए हम लोग पूरी स्टेशन। अभी 8:58 हो रहे हैं और रेलवे स्टेशन पे पूरी तरह से बारिश से लबालब भीगा हुआ है और बहुत ही शानदार अभी मौसम हो गया इधर का। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे चैनल को आप लोग शेयर करिए दोस्तों के साथ और मैं आपको वादा करता हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे जगह ले चलूँगा और घुमाऊँगा। थैंक